दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे चांद पर देखे गए एक रहस्यमय रॉकेट के बारे में। क्या चांद पर परग्रही बना रहे हैं अपना बेस कैंप? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आए दिन कोई ना कोई विचित्र घटनाएँ होती रहती हैं, इसीलिए हमारी दृष्टि चंद्रमा पर लगातार बनी रहती है। मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो में चांद से जुड़ी कई रोचक बातों को बताया है, परंतु आज मैं जिस चीज के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर शायद आपके कानों को भी अपने ऊपर यकीन ना हो पाए, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है जो कि काफी ज्यादा अनजान और कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। हम सौर मंडल के बाहर और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा के बाहर भी दूसरी सभ्यताओं के बारे में अक्सर तलाश करते रहते हैं, परंतु अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा पर परग्रही शायद हो सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक पहले भी जा चुके हैं, और अगर हमें उस जगह कुछ भी जीवन संबंधित मिल जाता है तब हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी खोज हो सकती है। तो क्या वाकई में चांद पर परग्रही मौजूद हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो चलिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर एक दुर्लभ चीज को देख लिया है। नासा के अनुसार उसने चांद पर एक रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट के अवशेष को ट्रैक कर लिया है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट किसका है। कुछ लोगों की माने तो ये परग्रही सभ्यता का भी हो सकता है। वैसे नासा की ओर से इसकी औपचारिक पुष्टिकरण अब तक नहीं आई है। दोस्तों कहीं ये स्पेसक्राफ्ट वाकई में किसी दूसरी सभ्यता का तो नहीं, क्योंकि सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी साल मार्च के महीने में नासा ने चांद के फॉर साइट में एक स्पेसक्राफ्ट की क्रैशिंग साइट की फोटो खींचकर विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि इस क्रैशिंग साइट पर दो पास पास मौजूद क्रिएटर यानी कि गड्ढे बने हुए हैं, जो कि संभव है उसी स्पेसक्राफ्ट के चांद पर क्रैश लैंडिंग के कारण ही बना हो। अब इन दोनों क्रिएटर को देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा रहा है। उनके मन में खासकर उस रहस्यमय रॉकेट के बारे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। खैर रहस्यमय रॉकेट के फोटो को नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने खींचा है। मैं आपको बता दूं कि फोटो को खींचा तो काफ़ी पहले ही गया था, परंतु इसको दुनिया के सामने रिलीज इसी महीने यानी कि जून 24 को ही किया गया है। इस फोटो में दो ओवरलैप हो चुके क्रिएटर को एक साथ देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से जब रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह से टकराया होगा तब उसकी रफ्तार लगभग 920 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी, और ये ही वजह है कि चांद की सतह पर इतने बड़े बड़े दो क्रिएटर अब बन चुके हैं। परंतु क्रिएटर के बनने का अजीबोगरीब पैटर्न और इसके आसपास के इलाके में मौजूद कुछ अनोखी चीज़ों के कारण अब ये क्रैश लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इन क्रिएटर के बनने के पीछे के कारणों को अलग ही बताया है। उनके हिसाब से ये सब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मंडरा रहे स्पेस जंग का ही नतीजा है। उनके हिसाब से जब इस स्पेसक्राफ्ट का मलबा घूम घूम कर चांद के फॉर साइट पर जा टकराता है तभी से ये दोनों क्रिएटर बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो इस स्पेसक्राफ्ट के मलबे को चांद के ऑर्बिट में देखने का भी दावा किया है। खैर अभी भी ये स्पेसक्राफ्ट किसका है और कहां से आया है इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों से ये भी पता लगा है कि ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स के द्वारा साल 2015 में लॉन्च किए गए फाल्कन एक्स रॉकेट का है। फिलहाल चांद पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट का मलबा इसके सेकेंड स्टेज का बताया जा रहा है। हालांकि इस बात में भी एक अलग ही ट्विस्ट आ चुका है। एक अलग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये स्पेसक्राफ्ट का मलबा फाल्कन एक्स रॉकेट का नहीं है, वास्तव में ये मलबा एक चीनी रॉकेट का है। दरअसल बात यह है कि 2014 में चीन ने चांग्स 5T1 नाम के एक रॉकेट को लॉन्च किया था, और उसी रॉकेट के अपर स्टेज का मलबा आज चांद पर मौजूद है। परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि चांद पर गिरे इस रॉकेट के मलबे को देखकर खुद चीन ने एक काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला बयान दिया है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद पर मिले इस स्पेसक्राफ्ट को पहचानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये रॉकेट उनका नहीं है। दरअसल बात यह है कि उनका रॉकेट साल 2014 में रिटर्न ट्रिप के दौरान ही
पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में जलकर राख हो गया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये रॉकेट है किसका, कहीं ये एलियंस का तो नहीं है। अभी तक नासा के अनुसार चांद पर उसके 47 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट के मलबे गिर चुके हैं, परंतु किसी भी रॉकेट के मलबे ने इस तरह के डबल क्रिएटर को नहीं बनाया है। वैसे वैज्ञानिक अभी रॉकेट के इस इम्पैक्ट के बारे में सटीक कुछ नहीं बता पा रहे हैं, परंतु उनके अनुमान के हिसाब से रॉकेट का मलबा चांद के हार्डर्सब्रून क्रिएटर के पास 4 मार्च को गिरा होगा। वैसे उनके हिसाब से इम्पैक्ट का टाइम लगभग सुबह 7:25 तक रहा होगा। खैर, एक क्रिएटर का आकार लगभग 18 मीटर तक और दूसरे क्रिएटर का आकार लगभग 16 मीटर तक हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि टक्कर के कारण कई सौ मील ऊपर तक लूनर डस्ट बिखरा हुआ नजर आया है, परंतु जिस किसी भी कारण की वजह से ये दोनों क्रिएटर बने हैं, इनका किसी भी साधारण कारण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना का होना कोई सामान्य बात नहीं है और सिर्फ रॉकेट का मलबा ऐसे दो क्रिएटर नहीं बना सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इन क्रिएटर को एलियंस ने बनाया होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चांद पर इस तरह के बड़े बड़े कृत्रिम क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ स्पेस जंग के कारण ही संभव हो सकते हैं, और काफ़ी सारे वैज्ञानिकों का ये ही मानना है। परंतु जिस हिसाब से रॉकेट का मलबा चांद पर बिखरा पड़ा है, उसको देखकर किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये रॉकेट चीनियों का नहीं है और ना ही स्पेस एक्स का है, तो शायद ये रॉकेट पर ग्रहियों का भी हो सकता है, जिसको कि अब नासा शायद दुनिया से छिपा रहा हो। वैसे इससे पहले भी नासा ने कई बार दुनिया के लोगों से कई तरह की बातों को खुफिया रखा हुआ है। वैसे कारण जो भी हो, अगर नासा के वैज्ञानिकों को इन दोनों क्रिएटर के बारे में कुछ न कुछ अजीब लग रहा है, तब इसके कई सारे गाढ़े पहलू हो सकते हैं जिनका सामने आना बेहद ही ज़रूरी है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।